वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर वीडियो। ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने सीड स्टॉकिंग किया है रूपचंदा और अमूर काप का, कितने नंबर्स का स्टॉकिंग किया है और कहाँ से स्टॉकिंग लिया है। ये जो मेरे घर से अराउंड 200-250 किलोमीटर में एक जगह है, वो जो सिफा अंडरटेकिंग ट्रेनर है मतलब वो सिफा अंडरटेकिंग ट्रेनर के बेसिस में वो फीड मतलब फार्मिंग करते हैं, वहीं से हमने सीड उठाए हैं रूपचंदा और अमूर काप। अमूर काप वैसे ही बाय फ्लॉक के लिए फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, रूपचंदा तो बाय फ्लॉक के लिए लोग बहुत सारे ट्राई किए हैं, जैसे कि INC और अमूर कॉमन काप, ये बाय फ्लॉक में भी होते हैं बट इतना ग्रोथ नहीं होगा, बट ठीक है। ये जो सिफा अंडरटेकिंग में प्राइस वो सिफा कंट्रोल करता है, उससे बियॉन्ड वो बेच नहीं सकते, तो साइज़ के हिसाब से हमको ठीक ठाक मिला है। तो हमने पहले गए थे उनके जगह में, वो ढूंढ के देखे, क्वालिटी ऑफ सीड स्टॉकिंग देखे, और फिर वाकई जाके वहाँ पे दिया वो। फिर वो जितना हम बोलेंगे वो उतना नंबर ऑफ वो भेज देते हैं, किसमें पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन वो खुद अपनी जिम्मेदारी में वो भेज देते हैं हमारे घर में। अराउंड 250 किलोमीटर अगर आप पकड़ लो तो 4-5 4 घंटा लग जाता है, तो पैकेजिंग तो ठीक ठाक देते हैं वो। ये क्या करते हैं कि आफ्टरनून में वो निकालते हैं, क्योंकि वो ये जो आफ्टरनून में निकालते हैं ताकि ठंड रहता है वो, ठंड मतलब धूप में वो नहीं भेजते हैं, क्योंकि ये टायर होके मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए वो आफ्टरनून 4 o'clock ऐसे कुछ हमको भेजे थे। ये देख सकते हैं इसके, ये शायद अमूर कार्प है, ये रूपचंदा नहीं है, अमूर कार्प है शायद। हाँ ये यहाँ पे अमूर कार्प और रूपचंदा, रूपचंदा का साइज़ तो ठीक ठाक था, मतलब 4-5 इंच का साइज़, अराउंड 6-7 रुपीज़ पर पीस पड़ा, और अमूर कार्प का थोड़ा मतलब 5-6 ऐसा एवरेज रहा, बट उसका इंच 3 इंच का था, मतलब इतना ग्राम बोले तो अंडर 10 ग्राम, मतलब इतना 10 ग्राम के ऊपर नहीं था देखा जाए तो। बट इसका जो अमूर क्रॉप का जो ग्रोथ है, तो ग्रोथ तो हम तो इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ नहीं, ये जो पैकेजिंग में ये शायद रूपचंदा का थोड़ा मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं हुआ है, हमने 8,000-8,500 ऐसे सीड मंगाए थे, इसमें से 6,000 अमूर कार्प और 2,500 रूपचंदा, इसमें से ओनली मोर्टेलिटी ट्रांसपोर्टेशन में 30-40 ऐसे कुछ हुआ है, 8 मार्क्स। तो फिर उसको पर हमको रात में आके लग गया, मतलब 8 बजे पहुंचा, 4 बजे वहां से निकला, तो फिर रातों रात उसको ऐसे तो डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते, तो उसको पहले क्या करते हैं, उसका pH लेवल मेंटेन होता है, उसको हल्दी और नमक एक हमारे टब में रख के उसको डुबा के थोड़ा टाइम रख के फिर हमारे टैंक में निकाला जाता है, ताकि वो इमीडिएटली छोड़ोगे तो मतलब उनको एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाता है, वो फिर कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो उसमें से मोर्टेलिटी का रेट बढ़ने का चांसेस है। इसीलिए ये सब करते करते मतलब 8 से सुबह 4 बज गया, तो इतना टाइम लगा, क्योंकि 8,000 के ऊपर स्टॉकिंग्स थे हम रखे हैं, तो ये बड़े टैंक में हमने रखे हैं अमूर कार्प, और जो छोटे छोटे 2 टैंक में हमने रखे हैं रूपचंदा। ये देख सकते हो ये अमूर कार्प है, अभी तो मतलब एकदम खुशी से मतलब तैर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा सा एरिया मिल गया है। ये रूपचंदा 2 2 टैंक में रखे हैं, रूपचंदा यहाँ पे 1250, वहाँ पे 1250। हम मान के चलते हैं कि अगर मोटा मोटी हमारा मोर्टेलिटी अगर 500 तक जाता है, 2,500 से 2,000 बच जाता है, तो फिर हम देखेंगे उसके टाइम में साइज़ क्या है, बट बायफ्लॉक में तो ये पक्का है कि रूपचंदा तो सही मछली है, मछली है, तो ग्रोथ तो मतलब अगर 6 महीने में हमको मोर देन 700-800 ग्राम तक आ जाएगा, तो बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है, देखेंगे, फिंगर क्रॉस्ड, सो विल सी। आई थिंक अमूर कार्प पे हम देखेंगे, क्योंकि अमूर कार्प अगर ये एक्चुअली ये पॉन्ड का फिश है, मतलब रोहू कटला टाइप का, वो जो है रोहू टाइप का कटला नहीं है अमूर कार्प, वो इसी कैटेगरी में आता है IMC, और वो क्या है ये मतलब कार्प, ये भी एक टाइप का कार्प है,
तो ये 1 kg के ऊपर नहीं होता है तो मार्केट में अच्छा प्राइस जाता है, नहीं तो फिर आपको 500 ग्राम में इतना मतलब नहीं मिलेगा। ठीक है, जब जब साइज़ बढ़ता जाएगा हमने उसको ग्रेडिंग करके बेचेंगे। फिर स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग सच वीडियोज। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।